Good morning, students. Today we will read chapter 7, Body Science, from class 3, GK. Okay, so let's start. We will read about body science and what is the body science, we will see. Okay, शरीर के विज्ञान के बारे में बात करेंगे, ठीक है? Okay, first, the human nose can remember up to 50,000 different types of smells. Okay, यहाँ बेटा क्या कहा जा रहा है कि मनुष्य की जो नाक होती है ना, वो 50,000 विभिन्न प्रकार की गंधों को याद रख सकता है, इतना ज़्यादा strong होता है, ठीक है ना? Second क्या है? Researches shows that children go faster in the spring season. यहाँ पे बोला जा रहा है कि शोध बताता है, जैसे रिसर्चेज होते हैं ना, तो उसमें शोध में पता चला है कि बसंत के जो मौसम होते हैं, यानी स्प्रिंग सीजन जो होता है, उसमें बच्चे बहुत तेज़ी से क्या होते हैं, ग्रोथ करते हैं, यानी बढ़ते हैं. ओके, जस्ट लाइक आवर फिंगर प्रिंट्स, आवर टो प्रिंट्स आल्सो यूनिक. ओके, इसका मीन्स ये हुआ कि उंगलियों के निशान की तरह ही, ठीक है, जैसे हमारे उंगलियों के निशान होते हैं, वैसे ही हमारे पैर के अंगूठे के जो निशान होते हैं, वो भी बहुत क्या होते हैं, यूनिक, यानी अनोखे होते हैं, ठीक है? ओके, द सेंस ऑफ स्मेल स्टॉप्स वर्किंग व्हेन वी आर स्लीपिंग. जब हम सोते हैं तो हमारे सारे सेंस ऑर्गन्स क्या होते हैं, डल हो जाते हैं, यानी उनकी क्षमता शक्ति कम हो जाती है. एज अ डेड बॉडी हमारी बॉडी फील करती है ना, जब हमें हल्की कितनी महसूस होती है जब हम सो जाते हैं. तो इसी तरीके से बता रहे हैं कि जब हम सो रहे होते हैं तो सूंघने की जो शक्ति होती है वो हमारी काम करना बंद हो जाता है. ओके, देन फूड इज आइदर कूल्ड आर वार्म टू अ सुटेबल टेम्परेचर इन द माउथ. ओके, भोजन को या तो ठंडा किया जाता है या मुंह में उपयुक्त तापमान पर गर्म किया जाता है, ठीक है? ओके, नेक्स्ट, ऑन एन एवरेज मेन हैव लार्जर नोजेस देन वुमेन. ठीक है, इसमें क्या बोल रहे हैं कि ज़्यादातर औसतन ये देखा गया है कि पुरुषों की जो नाक होती है वो बड़ी होती है, किसकी तुलना में, महिलाओं की तुलना में. मीन्स समझ में आ रहा है कि जो जेंट्स होते हैं उनकी नाक हमेशा लंबी ज़्यादा होती है, बड़ी होती है. क्यों? अगर आप कंपेयर करें तो लेडीज़ के तुलना में. ओके, आफ्टर देम द इनेमल विक्ट वी कैन सी आवर नोज ऑल द टाइम बट सम हाउ आवर ब्रेन्स इग्नोर्स इट. यानी इसका मीन्स ये है कि हमारा जो जो हमारी नाक है वो हर समय हम देख सकते हैं, है ना, दिखता है ना, अगर देखना चाहें तो देखिए ध्यान से दिखता है, लेकिन हमारा जो माइंड है वो क्या करता है, इग्नोर करता है, इसे नज़रअंदाज कर देता है, ठीक है, कि नहीं देखना है. ओके, देन द इनेमल ऑन द आउटमोस्ट पार्ट ऑफ द टूथ इज़ द हार्डेस्ट पार्ट ऑफ द बॉडी. और यहाँ पे जो है, जो हमारे शरीर का सबसे बाहरी भाग है, इनेमल ना, शरीर का सबसे कठोर भाग होता है, वो क्या होता है बेटा, सबसे कठोर भाग होता है. ओके, ओके, नेक्स्ट, आवर थाइस बोन इज़ द लॉन्गेस्ट एंड स्ट्रॉन्गेस्ट बोन इन द बॉडी. हमारी जो थाइस की, यानी जो हमारी जांघें होती हैं, थाइस होती है, उसकी जो हड्डी होती है वो सबसे क्या होती है, लंबी होती है ना, और सबसे मजबूत होती है, ठीक है. ब्रेन कंज्यूम्स 20% ऑफ द ऑक्सीजन दैट वी ब्रीद इन. ओके, जब हम सांस लेते हैं तो जो हमारा माइंड है, मस्तिष्क है, वो क्या 20% ऑक्सीजन की खपत करता है. ओके, नेक्स्ट, वेट, आवर हार्ट बीट्स 1,00,000 टाइम्स इन अ डे. हमारा जो दिल है वो एक दिन में कितनी बार धड़कता है, 1,00,000 टाइम्स. ओके, सो नेक्स्ट, हियर इज अ फिलिंग द ब्लैंक्स. ओके, वी विल सी, एंड हियर इज द हेल्प बॉक्स ऑल्सो. ओके, फिलिंग द ब्लैंक्स ऑन गुड हाइजीन एंड विथ वर्ड्स फ्रॉम द हेल्प बॉक्स. इसमें आपको क्या करना है,
आपको बॉक्स दिए हुए हैं बगल में, उनमें से आपको चूज करके फिलिंग द ब्लैंक्स को फिल करना है, ठीक है? सो लेट्स सी। ओके, आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज वी शुड ब्रश आवर टीथ। इसमें से क्या हम फील करेंगे? ट्विस्ट ट्विस्ट एवरी डे। हमें क्या करना चाहिए? हमें डेली 2 बार ब्रश करना चाहिए। एक बार मॉर्निंग में आप करते हो, एक बार नाइट में जब आफ्टर मील जब आप खाना खा लेते हो, तो आपको क्या करना चाहिए? एक बार ज़रूर से ब्रश करना चाहिए, ठीक है? नेक्स्ट क्या है हमारा? हैंड्स मस्ट बी वॉश बिफोर एंड आफ्टर ईटिंग एंड आफ्टर यूजिंग द टॉयलेट। तो आपको ये तो पता ही है कि हमें जो है हाँ हैंड वॉश करनी चाहिए, पहले तो खाना खाने से पहले, फिर उसके बाद करते हैं हम, है ना? उसके बाद हम जब टॉयलेट यूज़ करते हैं तो भी हमें हाथ आके अच्छे से धुलना ज़रूरी होता है, ठीक है ना? नेक्स्ट क्या है? इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू ड्राई आवर सेल्स प्रॉपरली आफ्टर टेकिंग अ बाथ। आपको क्या करना चाहिए? जब भी नहा के आप आते हो वॉशरूम से, तो आपको क्या करना चाहिए? हमेशा अपने आप को ड्राई करना चाहिए, ठीक है? यानी अच्छे से अपने आप को पोंछना चाहिए, ठीक है? नेल बाइटिंग कॉजेज जर्म्स टू इंटर द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट। आपको पता ही है नेल में कितने कीटाणु होते हैं, हमेशा नेल हमें काट के रखना चाहिए, है ना? तो उसी नेल के थ्रू हमारी बॉडी में कीटाणु प्रवेश करते हैं, ठीक है? वाइप योर रनिंग नोज़ विथ अ हैंडकरचीफ। हम जब हमारी नाक बहती है तो हमें क्या करना चाहिए? हमेशा रुमाल से पोंछना चाहिए। कवर योर माउथ व्हेन यू स्मेल आर कफ स्नीज आर कफ। जब आप हमेशा छींकते हो खांसते हो, तो ये एक मैनर होता है, एटिक होता है कि हमें हमेशा क्या करना चाहिए? रुमाल लगा लेना चाहिए मुंह पे, है ना? क्यों? क्योंकि कवर करना चाहिए हमेशा माउथ को, कि सामने वाले को इरिटेटिंग ना हो और उसको इफेक्ट कोई ना हो। ओके, कॉम्बिंग हेयर फ्रिक्वेंटली अलाउज देम टू ब्रीद। जब हमेशा पता है आपको बाल हमेशा हमें झाड़ना चाहिए, क्योंकि जो हमारा स्कैल्प है उनको भी ब्रीदिंग करने का मौका मिलता है ना, सांस लेते हैं, तभी तो बाल भी हमारे कैसे निकल रहे हैं, ग्रोथ कैसे करते हैं, जब हम उनकी सफाई करते हैं, उनको भी क्लीन रखते हैं, नीट रखते हैं, तब जाके हमारे हेयर जो हैं लंबे होते हैं, अच्छे होते हैं। ओके, गेट 8 आवर्स ऑफ स्लीप एवरी डे एंड ड्रिंक एटलीस्ट 10 ग्लासेस ऑफ वाटर। और ये हमें ज़रूर से करना चाहिए, क्या कि हमें हमेशा 8 घंटे की नींद लेनी चाहिए प्रतिदिन, और हमें एटलीस्ट 10 ग्लास तो पानी हमें पीना ही चाहिए, 10 ग्लास पानी हमें डेली पीना चाहिए। ओके, नेक्स्ट, टिक द करेक्ट ऑप्शन टू लर्न मोर अबाउट सम कॉमन डिजीजेस। ओके, यहाँ पे जो आंसर सही होगा राइट होगा उस पर हमें क्या करना है? टिक करना है। इज़ अ वाटर बोन डिजीज़। क्या है? जॉन्डिस यानी पीलिया, ठीक है? नेक्स्ट क्या है? इज कम्पैन बाई वाटरी स्टूल्स। तो ये क्या होता है? पेचिस। जब हमें मीन्स कि जब हम टॉयलेट ज़्यादा जाते हैं तो ये प्रॉब्लम क्या मानी जाती है? वाटरी स्टूल्स यानी बहुत ज़्यादा पानी की तरह हमें होता है, तो उसे क्या बोलते हैं? पेचिस बोलते हैं। इज कॉज्ड बाई डिफिशियंसी ऑफ विटामिन ए की कमी से क्या होता है? रतौंधी होती है ना, नाइट ब्लाइंडनेस जिसको बोलते हैं, ठीक है? एंड लास्ट इज़ अ कंडीशन ऑफ एक्सेसिव बॉडी वेट। सबसे ज़्यादा जो है अगर हमारी बॉडी वेट बढ़ती है तो क्या होता है? मोटापा, ऑब्सिटी, है ना? सो स्टूडेंट्स, आपको ये चैप्टर कैसा लगा? री रीड केयरफुली। ओके, एंड नेक्स्ट चैप्टर वी विल सेंड। ओके, बाय बाय, टेक केयर।